The slant height of a conical mountain is 2.5 किलोमीटर. स्लैंट हाइट का मतलब पहले दे रखा है. एंड एरिया ऑफ इट्स बेस. देखो कोन का बेस कैसा होता है, गोल. गोल का मतलब सर्कल होता है. सर्कल का एरिया क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर. तो मतलब पाई आर स्क्वायर दे रखा है मेरे को. कितना, 1.54. देखो यहां से आर निकल सकता है, निकाल लिया. 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 1.54. पॉइंट हटा के 100 नीचे आ जाएगा. आर स्क्वायर निकालना तो क्या आ जाएगा, 154 डिवाइड बाय 100. अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो 7/22 हो जाएगा. 11 के टेबल पे कट करो. 11 पीछे बचा 4. 11 4 44, ये 2 पे, 2 फिर गया 7 पे. तो R कितना आ गया जी, 7 का स्क्वायर है तो 1/7 आ जाएगा. नीचे 100 है तो 10 हो जाएगा, 7/10 आ गया. L भी दे रखा है, R दे रखा है, L दे रखा है, तो H निकल जाएगी क्योंकि उन्होंने बोला भी यही है, द हाइट ऑफ द माउंटेन इज. देखो L का फॉर्मूला क्या था, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर था. तो L देखो इधर से रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा. ऊपर से कट कर दो. L कितना है जी, 2.5 है. इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा. R मेरे को R पता है जी, 7/10 था. प्लस H निकल जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 25 का 625, 100, 7 का 49, नीचे 100 इक्वल टू H स्क्वायर. माइनस करते हैं जी, 15 में से 9 गए 6, 11 रह गए, 11 में से 4 गए 7, और इधर रह गए 5. 576 होता है जी 24 का, और 10 होता है जी 10 का. तो H कितना आ जाएगा, 2.4. तो ऑप्शन बन जाएगा हमारा B, 2.4.